अलका जी, आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और चूंकि जेपी नड्डा जी की टीम में हैं आप, हालांकि बहुत ज़्यादा आपकी व्यस्तता दिल्ली में भी रहती है, आप जिस जाति से हैं गुर्जर जाति है, पूर्वी राजस्थान में गुर्जर है, मीणा है, जाट है, ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जातिगत सियासत यहाँ पर परवान पर है, तो ऐसे में कितना कठिन होगा कैडर को स्ट्रेंथ करना, कैडर को मजबूत बनाना, क्योंकि यहाँ पर कैडर मजबूत नहीं है सभी लोग जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की सियासत कभी नहीं करती, ना तुष्टिकरण की राजनीति करती है, ना जाति के आधार पर राजनीति करती है। हम संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और उसी के बल पर हम इस चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कैडर हमारा स्ट्रांग है। यहाँ की स्थिति आपने देखी है, आप खुद भी इसी क्षेत्र से, मान लीजिए हालांकि दौसा ज़िले में है, तो आप इस पूरे क्षेत्र को देखा है, अभी यहाँ पर क्या आपको चीज़ें दिखाई देती है? ERCP को लेकर सियासत कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, ERCP जैसा बड़ा मुद्दा ज़रूर दिखाई देता है, बाकी यहाँ की स्थिति तो वही है। नहीं, यहाँ आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार चरम पर है कांग्रेस के राज में, महिलाएँ असुरक्षित हैं, किसान परेशान है, युवा दिग्भ्रमित है क्योंकि रोज पेपर लीक हो रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति स्पष्ट है। आम जन त्राहिमाम कर रहा है कांग्रेस के राज में और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हम पूरी तौर पर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ लहरेगा। देखिए